हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईलेस टीवी इंडिया में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर अभी एक ताजा खबर निकल कर आ रही कि मौसम विभाग ने फिर पूर्वी यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट किया जारी। लौटता मानसून किसानों के लिए बना मुसीबत। तो चलिए जानते हैं कि लौटते मानसून ने किन किन किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है और किन किन जिलों में फिर आपको बता दें अलर्ट जारी किया गया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को आखिर तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज एक बार फिर से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में इस पूरे सप्ताह हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने आपको बता दें प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि भारत में लौटता हुआ मानसून उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार अभी कम से कम एक सप्ताह तक राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। अगले दो दिन हल्की कहीं मध्यम के साथ बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। आईएमडी ने आपको बता दें पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम को लेकर यह भी खबर आ रही है कि प्रदेश के करीब दो दर्जन जिलों में मौसम विभाग की तरफ से नया अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा अपडेट में कहा गया है कि अगले दो तीन दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश होगी। इस भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न फिर हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक दो दिनों तक लखनऊ सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश होगी। तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा मौसम विभाग ने जताया है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए बारिश का आसार जताए हैं उनमें अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, पीलीभीत, बरेली, बांदा में भारी बारिश होने के आसार है। वहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में आपको बता दें गरज चमक और आंधी तूफान आने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी लखनऊ में आपको बता दें आज बादल छाए रहेंगे। बारिश के कारण लोगों की छुट्टी का दिन बेहतर हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि दिन में बारिश रुकने का भी अनुमान जताया गया। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आपको बता दें 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसी बीच अगर बात करें नोएडा और गाजियाबाद की, तो नोएडा और गाजियाबाद में मौसम आपको बता दें साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से दोनों शहरों में उमस भरा मौसम रहने की भी बात कही है। नोएडा में 89% ह्यूमिडिटी के कारण लोगों को परेशानी होगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवा बाहर से लोगों को राहत दे सकती है। नोएडा में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का यहां भी अनुमान जताया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि वाराणसी में आपको बता दें कि बीते सप्ताह अच्छी बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में औसत से कम बारिश हुई। वहीं वाराणसी में पूरे दिन अब बादल छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा यहां न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जहां प्रदूषण का स्तर बीते कुछ दिनों से बिगड़ा हुआ था। अंत में आपको बताते चले कि निकलता मानसून देश के कई हिस्सों को जमकर भिगो रहा है। मौसम विभाग ने आपको बता दें कई राज्यों में गरज चमक के साथ हल्की, कहीं मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका जताई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।